विरह अवस्था में ऐसा सब कुछ होता है। कभी कभी झगड़े की भी बात होती है, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से झगड़ा कहा गया है। वैसे कोई झगड़ना मारापीटी करना ऐसा नहीं होता, किंतु प्रश्नोत्तरी करते हैं तो उसको भी कई स्थानों पर दूसरा रूप बताया जाता है। इस प्रकरण के आरंभ में लिखा पूरे प्रश्नोत्तरी के कारण कौल पाइल जी वही वेई हाड़े आई मथे हाल कहते हैं। कौल और फाइल कौल वचन एवं बोलने की बात और फैल आचरण, तो उससे तो वो भी वो समय भी बीत गया है। वही वही मतलब वो भी समय बीत गया है। हाड़े आए मथे हाल, अब तो अपने अंतर दशा बदलनी चाहिए, अंतर की स्थिति बदलनी चाहिए, मनस्थिति को बदलना चाहिए, ऐसा करना चाहते हैं। तो क्योंकि मनस्थिति सबसे श्रेष्ठ है, मन वचन और कर्म में सबसे पहले मन ही आता है, मनसा वाचा कर्मणा। वचन और कर्म उनसे भी मन विशिष्ट होता है। हाड़े पूछण मुकाबिल कहले ना शरीर गाल अगर ही गाल हाड़े पूछण मुकाबिला हाड़े अब पूछण का तात्पर्य बोलना मुकाबिल मुकाबिल मतलब सम्मुख होकर के अब तो सम्मुख होकर के बोलना है। हिता हल्ले ना अगली गाल तो हित यहाँ पर हल्ले ना अगली गाल तो अब इससे और क्या कहें, इससे और तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अब तो मुझे आपके सम्मुख होकर के ही बताना है, तो इससे और मैं क्या कहूँ, इससे अधिक कहा नहीं जा सकता। घणो द्रप भूल चुक जी ही आका जी खिलवत घणो द्रप, द्रप का तात्पर्य डरना, बहुत बड़ा भय मुझे हो रहा है, भूल चुक जो भूल चुका कि मेरी कोई गलती ना हो जाए इसका मुझे भय सता रहा है। ही आता जी खिलावत ये तो आपका खिलावत है, एकांत स्थल है, जैसे मूल मिलाओ में आमने सामने बैठकर बात करते हैं, तो ऐसे ही तो मुझे आपके सामने आप मुझे दर्शन दीजिए और सामने से मुझे बात करनी है, तो ऐसे समय में तो मैं क्या बताऊं, मुझे मुझसे कोई गलती ना हो जाए तो इससे मैं डरती भी। सचो रचे सच से भूल नहल्ले हित सचो रचे सच से सचो सच्चा रचे मिलता है सच से, तो सत्य सत्य और सत्य का ही मिलन होता है, तो झूठ तो सत्य तक पहुंचता ही नहीं है, इसलिए कहीं मुझसे भूल चूक ना हो जाए और गलती से भी मैं आपको कुछ ऐसा ना कह दूं। भूल न हल्ले हित तो भूल वहां तक न हल्ले हित तो भूल वहां तक पहुंचता ही नहीं है, फिर भी मुझे थोड़ा सा भय तो लग ही रहा है कि कहीं मुझसे भूल ना हो जाए। परमात्मा के सामने भूल अथवा दोष गलती तो पहुंचती नहीं है, तो आप दर्शन दें और उस समय में कुछ भूल से भी कोई ऐसा कर दो ना करने वाला कार्य ना पूछने वाली बातें, तो मुझे उसका थोड़ा भय लगता है। इल्म पाएं जो देई करे मुके रोशन तो के इल्म पाएं जो देई करे तो इल्म ज्ञान पाएं जो अपना देई करी देकर, तो आपने अपना ज्ञान देकर मुके मुझे रोशन तो कई तो का अर्थ तो देहात तो मुके रोशन के आपने मुझे प्रकाशित किया, कहने का तात्पर्य मेरे हृदय को प्रकाशित कर दिया। तो जोड़ो करिया कांध से तो इसलिए जोड़ो करिया कांध से
आपके साथ में मैं झगड़ा कर रही हूँ। तो आपने ज्ञान दिया, समझाया और मैं आपके आपका सामना कर रही हूँ बीच राधा जी बीच खेल में बैठ करके, खेल में बैठ करके ऐसा कर रही हूँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी आपका मिलन है स्थाई मिलन, तो कुल मिलावट है, वहां पर तो वहां तो झूठ नहीं पहुंचता है। और इस खेल में आपने मेरे हृदय को प्रकाशित किया और समझा दिया, तो इसमें आप मिले और मैं कुछ आपको बोलो तो उसमें तो भूल चुक हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो परमधाम में भूल चुक हो उसके लिए तो मुझे डर है। तो ही जे इल में आओ सिखाई गिडम वकील सबना, तो ही जे इल में आपके ज्ञान में आओ सिखाई मैं सीख गई, आपके ज्ञान से ही मैं ये बात सीख गई। गिडम वकील सबना, गिडम का तात्पर्य स्वीकार किया, वकीली वकालत सबना, सबके सबका वकील बनने का दायित्व तो मैंने आपके ज्ञान से ही सीखा है, सबकी वकालत करो, क्योंकि आपने बोला कि तुम्हें तो सबको जागृत करना है, सबका ध्यान रखना है, तो दायित्व तो मुझे दिया है। तो अब ब्रह्मात्माओं की ओर से भी तो कुछ करने का दायित्व तो मुझे ही निभाना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे। मुझे इतवार सबनी आयो तो ही जीरुवन, तो मुझो मुंजो का तात्पर्य मुझे, इतवार विश्वास सबनी, मुझ पर सबका विश्वास है। और आगे आयो ऐसा कहते हैं, आया मुझ पर सबका विश्वास, सबका भरोसा हुआ, सबने मुझ पर भरोसा किया। तो ये जीवन आपकी आत्माओं, आपकी परमात्माओं ने तो मुझ पर, सबने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मुझे सबकी ओर से रहना पड़ेगा। दावो मुंजो यागवन जो सबने बता आओ, तो दावो मुंजो यागवन जो मेरी ओर से दावा करना हो अथवा तो परमात्माओं की ओर से करना हो, सबनी बट्टा आऊं, सबकी ओर से, सबनी बट्टा सबकी ओर से आऊं, मैं ही हूँ, मेरी ओर से भी मैं और सब परमात्माओं की ओर से भी मैं ही हूँ। आऊं गुज जाना सब तोई जी, आऊं मैं गुज जाना, गुज गुहे बातें जानती हूँ सब तोई जी, आपकी सारी, तो आपकी सारी अंदर की बातें मैं जानती हूँ। की पैर लिए पाऊ की पैर, तो की किस प्रकार, पैर पीछे लिए पाऊ, अब आप कैसे पीछे हटते हैं, कदम कैसे पीछे हटाते हैं, तो अब तो नहीं हटाएंगे क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ, इस प्रकार से खिलवत जाना अरस जी परमधाम के मूल मिला हुआ उसका भी पता है। कौल फैला हारा सल, तो धाम के मन वचन कर्म हो, ध्यान में मनस्थिति कैसी होती है, वचन कैसे हैं, आचरण कैसा है, ये सब पता है। तो जी गुजन रही काम मुह थी दावो तो मुई मुँह बीच अदल, तो जी गुज, तो जी का तात्पर्य आपके गुज हुई बात है, न रही नहीं रही काम कोई भी मुँह थी, तो कोई भी बातें मुझसे आपकी छिपी नहीं है, इसलिए दावो तो बीच अदल। अब अदल का तात्पर्य न्याय, न्याय के लिए दावा तो आप और मेरे बीच ही तो रहा, मेरी ओर से भी मैं और परमात्माओं की ओर से भी मैं, अब आपको और मेरे बीच में ही जो कुछ चलेगा वो चलेगा, उस प्रकार से कह रहे मुझ सच्चो तुम गाली सच्चियो अने सच्चो तो हल्ला, तो मुझ सच्चो का तू सच्चो आप सही सत्य है, तू गालियो सच्चो आपकी बात भी सत्य है, अने सच्चो तो हल्ला आपका व्यवहार भी हलन चलन आपका व्यवहार वो भी सच्चा है। मुँह तो दावो सरे सच जो झल्य मत सच्चो दावन, मुँह तो दावो मेरा और तो आपका दोनों का दावा भी सरे सच जो,
सच का सामना करने के लिए है। झल्यम सच्चो दावना, तो झल्यम का तात्पर्य पकड़ा, और मैंने भी तो सच्चा दावन पकड़ा है ना। आप सत्य हैं तो आपका ही दावन दावन पकड़ा है, इसलिए यहाँ पर झूठ तो कुछ होगा ही नहीं। वो अपना अपनी ओर से अपना पक्ष पूर्ण रूप से रख रहा है, ये सब प्रेम में संभव है। तो प्रेमी आत्माएं परमात्मा से झगड़ते भी है तो वो बालम्ब होता है, वैसे झगड़ना नहीं माना जाता है। तो सच्चा सच गाला ये सच बोला ये मुंह, तो सच्चा सच गाला ही है। आप सत्य हैं और सत्य गाला ही है, गाला ही इस अर्थ में है उनके स्वयं के, उनके लिए राज्य के लिए। आप सत्य हैं तो आप सच्ची सच्ची बात ही करेंगे, सच बोला ही जब हूं और मुझसे भी सत्य ही बुलवाएंगे। सच दावो सच शायद, तो दावा भी सत्य है और साक्षी भी सत्य है। सच जाने सवनी सच्चा तुम, तो सबके सच सच जाने सवनी, आप सबकी बात सबके सत्य बात को भी समझते हैं जानते हैं, क्योंकि सच्चा तो आप स्वयं सत्य हैं। आप सत्य हैं इसलिए सत्यम क्या है, सत्य से सत्यम कुछ आता है ना भागवत में, सब कुछ सत्य ही है। तो आप सब सत्य हैं तो हमारी सच्चाई को भी आप समझते हैं। हिन नायक के ये सच जे आया सच पाण, हिन नायक के ये सच, इस नायक मतलब नहीं है इस नश्वर संसार में, के ये सच के ये किया सच सत्य, आपने ही पापन ज्ञान दे करके इस नश्वर जगत को भी सत्य बना दिया, अखंड कर दिया, करने का हिताया सच्चा पाण, जो हिताया यहाँ पर सच्चा पाण, आप स्वयं सत्य यहाँ पर आए, दर्शन दिया, तो आपने इस जगत को भी सत्य कर दिया। मुझसे सच को न करिए, अब मुझसे सत्य क्यों नहीं करेंगे, मेरे साथ सत्य न्याय क्यों नहीं करेंगे। मुंजा सचण सेण सुजान, मुंजा मेरे सचड़ा, तो सत्य सेण मित्र और सुजान अच्छे जानकार, आप अच्छे जानकार मेरे मित्र हैं, इसलिए आप मेरे साथ में सत्यता क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ सत्य ही करेंगे, ये कहना चाहते। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।